हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद अस। आज से हम एक न्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लेट्स लर्न कॉमर्स। इस चैनल पे आपको पीजीटी कॉमर्स की तैयारी करवाई जाएगी। किससे रिलेटेड? केवीएस से, एनवीएस से, डीएसएसबी से रिलेटेड, सारी की सारी। कौन से सब्जेक्ट की? पीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी की सारी आपको तैयारी इस चैनल पे करवाई जाएगी। अगर आप न्यू चैनल देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं और इस चैनल को आप देख रहे हैं, प्लीज़ फर्दर्स वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे सारे के सारे नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के थ्रू आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करने से पहले, हमें पता है कि पीजीटी कॉमर्स की केवीएस में अब वैकेंसी निकलने वाली है। जैसे ही कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो नॉर्मल होते के साथ ही केवीएस क्या अपनी नोटिफिकेशन जारी करेगा, और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सके, क्योंकि केवीएस जैसे नोटिफिकेशन देगा तो इसका मतलब कि एक मंथ के अंदर अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो हमें अभी से ही तैयारी करके चलनी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि दिसंबर तक नोटिफिकेशन आएगी, जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब हमें ये पता करना है कि जो सिलेबस है पीजीटी कॉमर्स का, उसमें क्या क्या चीज़ कंटेंट्स रहती है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है और कैसे हमको तैयारी करनी है, उससे रिलेटेड सारी की सारी आपकी तैयारी इस चैनल पे करवाई जाएगी। तो आप इस चैनल को नहीं देख रहे हैं, जिसको पता नहीं है, तो आप प्लीज़ इस चैनल पे आइए और सारी की सारी जानकारी, जो भी पीडीएफ है, नोट्स है, क्वेश्चन पेपर है, सारे के सारे आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब बात आती है कि पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस है केवीएस का, क्योंकि अभी केवीएस की नोटिफिकेशन आएगी तो हम मेनली तैयारी कर रहे हैं किसकी? केवीएस की। और सारा का सारा पैटर्न सेम है, किसमें? केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में, सभी का पैटर्न सेम है। तो हम आज से क्या कर रहे हैं, इस चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं और सारे के सारी तैयारी इसी चैनल पर आपको करवाई जाएगी। तो अब बात आती है कि कौन कौन से कंटेंट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस में, तो हम देखते हैं। अगर किसी ने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप न्यू चैनल देखने वाले हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे भी हमारी नई वीडियोस डलेगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन के बगल आपको बेल प्रेस करनी है नोटिफिकेशन की, जैसे ही हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात आती है कि जो पीजीटी कॉमर्स है उसका सिलेबस किसमें, केवीएस में कैसे कैसे डिवाइडेड है। इसमें टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट्स वन और पार्ट टू। पार्ट वन में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो इसका मतलब कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो इसका मतलब कि 20 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के मिलेंगे, जिसमें कितना मार्क्स कैरी करेगा? 20 मार्क्स। क्लियर है बात। पार्ट सेकेंड में हमें है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग अवेलेबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, जो 10-10 मार्क्स के हैं। और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे? 10 मार्क्स के क्वेश्चंस है और 10 मार्क्स ही कंटेन करते हैं। तो इसका मतलब कि 30 मार्क्स के क्या हो गए हमारे? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी। जो सबसे ज़्यादा फोकस हमें करना है किस पे? पैडागोगी और सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न में 80 क्वेश्चंस आते हैं विच कैरी 80 मार्क्स। तो इसका मतलब कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है बात। पैडागोगी के हमारे 20 क्वेश्चंस आते हैं तो ईच कैरिड 1 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन हमारे जो केवीएस के पेपर में हमें देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 150 क्वेश्चंस। कितने? 150 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का कैरी करता है। तो इसका मतलब कि हमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने मिलेंगे? 150 के क्वेश्चंस मिलेंगे, 150 मार्क्स कंटेन करेंगे। जो हमारा सबसे ज़्यादा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा पैडागोगी और सब्जेक्ट कंसर्न पे। किस पे? पैडागोगी और सब्जेक्ट कंसर्न पे। आपको इस चैनल पे सारी के सारी सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे,
जो भी थ्योरी होगी उसको पीपीटी के थ्रू आपको करवाई जाएगी, जो भी चीज़ होगी सारी की सारी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तो बात होगी कि पैटर्न किस तरीके से पेपर हमारा केवीएस का आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। तो 150 क्वेश्चंस हमें मिलते हैं और कैरी 150 मार्क्स, और टाइम हमें अलॉट हुआ रहता है कि 2:30, इसका मतलब कि हमें 2.5 घंटा मिलता है 150 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इट इज़ सफिशियंट। जो हमें मेन फोकस करना है वो करना है हमें सब्जेक्ट कंसर्न पे, किस पे, सब कंसर्न पे। अब बात आती है कि सब्जेक्ट कंसर्न में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारा 80 में से 75 प्लस मार्क्स आ सके। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस है। आप अगर डेली के डेली वीडियो को देख रहे हैं, डेली के डेली आप घर पे स्टडी कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ का सिलेबस है। किसकी तैयारी करने के लिए, कॉमर्स की तैयारी करने के लिए, पीजीटी कॉमर्स की तैयारी करने के लिए। अब बात आती है कि सब्जेक्ट कंसर्न में क्या क्या चीज़ कंटेन है, सब्जेक्ट कंसर्न में क्या क्या चीज़ हमें मिलेगी। सब्जेक्ट कंसर्न में हमें मिलेगी इसमें दो चीज़, क्या चीज़, हमें बिजनेस स्टडी जो हमने 11th 12th में पढ़ी है थी, और दूसरी मिलेगी हमें अकाउंटेंसी जो हमने 11th 12th में पढ़ी थी। सारी की सारी हमें 11th 12th से कवर करनी है। तो क्या क्या सब्जेक्ट हैं उसमें आप देखते हैं, हम पहला सब्जेक्ट हमारा आता है बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट। पहला सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट। ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था बिजनेस स्टडी एक सब्जेक्ट, 12th क्लास में भी पढ़ा था हमने बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट। तो हमें इस पोस्ट के लिए जो तैयारी करनी है पीजीटी कॉमर्स के लिए, हमें केवल दो चीज़ के लिए ही हमेशा रेडी रहना है। बाहर कहीं भी आपको कहीं भी कोई कुछ बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको केवल इस चैनल को, आपको डेली की डेली इस चैनल पर जो वीडियोस आपको अपलोड की जाए वो देखनी है, प्लस आपको क्या चीज़ ख़रीदनी है बिजनेस स्टडी के लिए वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो इसको वीडियो को लगातार आप देखते रहिए। तो पहला जो इसमें चैप्टर आता है वो आता है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो ये हमारा जो चैप्टर है, कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एज इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, डिस्टिंगिव फीचर्स ऑफ बिजनेस, तो ये हमारा है 11th क्लास का चैप्टर। हमने 11th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा भी होगा, तो ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारा 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है। ये भी हमारा क्या है, 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है। बिजनेस ओनरशिप, ये भी हमारा 11th क्लास का है। बिजनेस सर्विसेज, ये भी हमारा 11th क्लास का है। ट्रेड, ये हमारा 11th और 12th में हमने पढ़ा था। 11th में हमने थोड़ा सा इसका पार्ट पढ़ा था, 12th में इसका थोड़ा सा पार्ट है, तो दोनों को मिलाकर के 11th का प्लस 12th का हमारा ये चैप्टर कवर होता है। क्लियर है बात। दूसरा आता है बिजनेस फाइनेंस, ये हमारा है 12th क्लास का पार्ट बी का, जो हमारी पार्ट बी है उसका फर्स्ट चैप्टर। मैनेजमेंट, ये भी हमारा क्या है, 12th क्लास का पार्ट 1 का ए का फर्स्ट चैप्टर, ये भी हमारा 12th का है। कौन सा, बिजनेस इन्वायरमेंट, ये भी 12th का कौन सा चैप्टर है, ये 3rd चैप्टर है। मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन, हमने पढ़ा था कि 12th में मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन क्या क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी हमारा 12th क्लास का है। ये हमारे हैं 4th, 5th, 6th, 7th, 8th चैप्टर है, ये हमें 12th में पढ़ा था, और वही के वही सिलेबस हमारा किस में आता है, केवीएस में आता है। तो आपको कहीं भी बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको 11th और 12th की क्लास की बुक पढ़ने की ज़रूरत है। जो हमने पहले पढ़ चुके हैं वही हमें आप क्या है, डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि पहले तो हमने केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ी थी, ऊपर हेडिंग याद कर लिए हमने, उसमें क्या चीज़ है उससे रिलेटेड हमने अपने से लैंग्वेज लिख के पेपर में लिख दिए। लेकिन अब हमें क्या है कि बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है। बिजनेस फाइनेंस, ये भी हमारा 12th क्लास का पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट, ये भी हमारा 12th क्लास का चैप्टर है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट,
ये भी हमारा 12th का था पहले, लेकिन अब वो हमें बीकॉम में पढ़ाया जाता है। मार्केटिंग ये भी 12th क्लास का है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पहले ये हुआ करता था 12th में, लेकिन वो 12th से हटा करके अब ये कर दिया बीकॉम में। एमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस ये भी पहले बीकॉम में हो 12th में होता था, लेकिन अब वो किस में कर दिया बीकॉम में। आपके तीन जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, बीकॉम से रिलेटेड है। आपको कोई भी कुछ भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे की सारी आपको इस चैनल पे नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के थ्रू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये भी हमारा 12th क्लास का लास्ट चैप्टर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पार्ट बी का। तो हमें बिजनेस स्टडी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, केवल हमें क्या परचेज करनी है, 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक किसकी, बिजनेस स्टडी की। अगर आपने बिजनेस स्टडी की 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक पढ़ ली और एक एक लाइन आपने कवर कर ली, तो आपका सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर कहाँ से आता है, 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी की बिजनेस स्टडी की बुक से। क्योंकि जो पेपर बनाता है केवीएस का, वो बनाता है सीबीएसई, और सीबीएसई हमेशा जो पेपर बनाता है वो एनसीईआरटी से बनाता है। एनसीईआरटी से बाहर कहीं भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लास्ट ईयर के पेपर सोल्व करेंगे, तब आप देखना है कि पूरी की पूरी लैंग्वेज कहाँ से है हमारी, बिजनेस स्टडी की और अकाउंट्स की कहाँ से है, एनसीईआरटी से। ये तो बात होगी हमारी 11th 12th की बिजनेस स्टडी की। अब बात आती है दूसरा सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें भी कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, एक दो टॉपिक के अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। 95% हमारा 11th 12th से कवर होता है। इससे बाहर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको क्या करना है, 11th 12th क्लास की बुक को स्टडी करना है अच्छे से। क्लियर है बात। इसमें फर्स्ट जो चैप्टर आता है वो अकाउंटिंग, मीनिंग ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैश एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा 11th क्लास का चैप्टर है। पढ़ा था हमने मीनिंग क्या है अकाउंटिंग के, प्रिंसिपल्स क्या क्या है, ये सब हमारे कौन से हैं, 11th क्लास के। क्लियर है बात। अब बात आती है कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वाउचर, ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये भी हमारी 11th की। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, ये सारे हमारे 11th से रिलेटेड है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंट्री, स्पेशल परचेजेस, जिसमें हम क्या बनाते थे, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये हमारी क्या है 11th की। लेजर में पोस्टिंग, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकॉन्सिलेशन, ये सारे के सारे हमारे कौन से 11th क्लास के हैं। कहीं भी हमने बाहर नहीं जाना है, केवल 11th क्लास की बुक को अच्छे से तैयार करना है। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ तक ये हमारा 11th क्लास तक का। क्लियर बात। अब इसमें हमारी इन तीन टॉपिक में हमारा 11th क्लास की पूरी बुक है, तो हमें ये पता चला है कि हमें कहीं भी बाहर से कोई भी दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास 11th 12th की बुक रखी हुई है, केवल उसी को ही अब क्या थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है। तो अगर आपने उसको डिटेल में स्टडी कर लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता केवीएस में पीजीटी कॉमर्स की सिलेक्शन के लिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये पहले 11th में था, लेकिन अब से ये 12th में कर दिया है। ये चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिजोलेशन, ये हमारे कौन से हैं 12th क्लास के। कंपनी हमारी 12th क्लास में थी, फाइनल अकाउंट हमारे 12th क्लास में थे। अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ये हमारा पहले 12th में होता था, लेकिन अब वो बर्डन कम करके ये किस में डाल दिया, बीकॉम में डाल दिया ये चैप्टर। आपको एक ये टॉपिक और एक और है वो टॉपिक, दो टॉपिक अकाउंटेंसी में आपको बीकॉम से मिलेंगे, बाकी सारे के सारे आपको 11th 12th से है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये हमारी पार्ट बी का बुक का है, पार्ट बी किसकी, अकाउंटेंसी की।
जो हमें 12th में 20 मार्क्स की मिलती थी उसका पूरा का पूरा पोर्शन है। अब बात आती है कि फंड फ्लो, ये भी हमारा पार्ट बी की बुक का है। कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा किसका है, ये हमारा है बी कॉम का पार्ट, ये हमारा 11th क्लास का है, ये हमारा 11th क्लास का है, ये हमारा 11th क्लास का। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है, केवल हमें 11th और 12th क्लास की बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स दोबारा पढ़नी है बस। अगर आपने बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया, 1-to-1 लाइन पढ़ ली, आपको सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए हम हैं आपको कि उसको कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या समरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, सारे के सारे आपको इस चैनल पर करवाए जाएंगे। अब बात आती है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, ये तो हमने देख लिया कि सिलेबस, अब बात आती कि प्रिपरेशन कैसे करें, किसके लिए, पीजीटी कॉमर्स के लिए। सब्जेक्ट हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ इसमें आएगी, क्या क्या चीज़ नहीं आती, तो अब बात आती कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो हमें दो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड, बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स, क्लियर है बात। अब अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी हम कहाँ से तैयार करें ताकि हमारे 80 में से 75 प्लस रहे, 80 में से हमें स्कोर करना है 75 प्लस। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस स्टडी के लिए 11th और 12th की NCERT बुक स्टडी करनी है, केवल हमें 11th और 12th की NCERT और एक या दो टॉपिक जो हमारे बीकॉम के हैं वो। तो इसका मतलब कि टोटल 90% सिलेबस हमारा किससे कवर हो जाएगा, 11th और 12th की बुक से, कौन सी, NCERT पढ़नी है लेकिन हमें केवल। और अकाउंट्स के लिए आप किसी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, DK गोयल हुई, डॉक्टर SC शर्मा, TS ग्रेवाल, जिससे भी आपको सूटेबल हो उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस चैनल पे आपको सारे के सारे थ्योरी, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे इसको सोल्व करना है, सारी की सारी प्रैक्टिस आपको इस चैनल पे करवाई जाएगी। तो आपको केवल बस इतना करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल के लिए प्रेस करना है बेल का आइकन, ताकि जैसे ही हमारी न्यू वीडियोज़ लाइव सेक्शन हो तो ताकि आप अटेंड कर सको, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये तो बात होगी बिजनेस स्टडी की और अकाउंट्स की। अकाउंट्स के लिए भी हमें 11th 12th की बुक पढ़नी है, केवल बीकॉम का दो चैप्टर है वो आपको करवा दिए जाएंगे इसी चैनल पे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदनी, बस आपने जो पढ़ी थी वही बुक दोबारा आपको उठानी है, कौन सी, 11th और 12th की। तो इसका मतलब कि 11th और 12th क्लास का सिलेबस मिला करके हमारा 90% सिलेबस कवर हो जाता है, किसका, PGT कॉमर्स का। हमें बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, केवल 11th 12th की NCERT की बुक आपको क्या करनी है, लाइन टू लाइन आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो हमारा चैनल है लेट्स लर्न कॉमर्स। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है किसकी तैयारी के लिए, PGT कॉमर्स की तैयारी के लिए। आपको सारे के सारे वीडियोज, PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, नोट्स, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे। और जिसको PDF, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्लियर है बात। ये तो हमारी होगी कि हमें तैयारी कैसे करनी है, ये हमारा सिलेबस हो गया। कल से हमारा जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर, कौन सा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर को कवर किया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट ईयर में
जो हमारा KVS का जो पेपर हुआ था, NVS का जो पेपर हुआ था, इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको आपको क्या करवाएंगे, सोल्व करवाया जाएगा। बस आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी आप इस चैनल से आपकी स्टडी में हेल्प हो सके, उन लोगों की भी स्टडी में हेल्प हो सके। थैंक यू।